चलो ठीक है, पल्लव वंश के बारे में पूरी डिटेल बताता हूँ, कहाँ से चला थी। दक्षिण भारत का राजवंश, बहुत सारे राजवंश राष्ट्रकूट चालुक्य ये सब चोल पांड सब दक्षिण भारत राजवंश है, ठीक है। तो जिनमें से एक है पल्लव वंश, अपन आज पल्लव के बारे में पूरी डिस्कस करते हैं कौन कहां पर चल रहा था। तो यहाँ पे एक नदी, ठीक है, यहाँ पे देखना है, यहाँ पे एक नदी है जिसका नाम है वैगई, वैगई नदी, ठीक है। अब नहीं उसी टाइम की बात, वैगई नदी, नदी तो हमेशा ही रहेगी पर उस टाइम जिसका नाम वैगई इस, ठीक है। अब हो सकता है चेंज हो गया हो, पहले वैगई था। अब इसके बाद जहां यहाँ पे आपका कर्नाटक से एक नदी निकलती है कावेरी नदी, कौन सी निकलती है कावेरी की तीन धाराएं हैं। पहली धारा में बसा है आपका तंजौर, क्या बसा है तंजौर, और जस्ट यहाँ पे वैगई नदी के कॉर्नर पे आपका बसा है मदुरई, क्या बसा है मदुरई। मदुरई को मंदिरों का शहर भी कहा जाता है मीनाक्षी मंदिर, ठीक है, मीनाक्षी मंदिर दक्षिण भारत में मदुरई में है, कहाँ पे है वैगई नदी के किनारे है, और मंदिरों का शहर भी इस मदुरई को कहा जाता है। इसके बाद अपन ये कौन सी है कावेरी नदी है, कावेरी के बाद यहां से आपकी तुंगभद्रा नदी ऐसे निकलती है और यहां से कृष्णा नदी निकलती है, दोनों मिल जाती है और आगे चल के ऐसे बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। ये कौन सी है कृष्णा, कहां से निकली मैं बता चुका हूं, महाबलेश्वर से निकलती है, ये कहां है महाराष्ट्र, और ये कहां है तुंगभद्रा कर्नाटक, तुंगभद्रा कर्नाटक से निकलती है, ये महाराष्ट्र से दोनों एक ही धारा मिलती है और यहां जाके वेंगी, वेंगी एक जगह है, ठीक है, क्या है वेंगी जगह है, वेंगी के आसपास गिर जाते हैं बंगाल की खाड़ी, और यहां पे एक नदी है और एक यहां पर, ठीक है। तो इस नदी को बोलते हैं उत्तरी पेन्नार नदी, उत्तरी पेन्नार नदी, और इसको बोलते हैं दक्षिणी पेन्नार, ठीक है। पूरी चीजें बता दूं तो बेसिक है ना, या किताबों में शायद मिले किसी किताब, कृष्णा तुंगभद्रा ये नदी कौन सी वैगई, ये कावेरी की तीन धारा, पहली धारा की नदी तंजौर बसा है, तंजौर दक्षिण भारत का शहर है, लिखो की लिखते भी चलते है ना, मदुरई कहां पे है, ये वैगई नदी के किनारे है, मंदिरों का शहर भी से कहा जाता है। दक्षिणी पेन्नार और उत्तरी पेन्नार के बीच जो राजवंश राज करता था उसी का नाम पल्लव, ठीक है, यही पे पल्लव वंश चल रहा है, ये उत्तरी पेन्नार नदी और दक्षिणी पेन्नार नदी के बीच, और इसके नीचे चल रहा था आपका चोल वंश, कौन चल रहा था चोल वंश। आदमी के मन में इतना कंफ्यूजन रहता है, चोल चालुक्य राष्ट्रकूट चेर पांड ये कहां चल रहे, चल तो रहे दक्षिण भारत में पर चल कहां रहे, यही लोगों को नहीं पता होता, तैयारी बहुत कुछ कर रहे होते पर ये नहीं पता होता, तो इसीलिए मैं डायग्राम बना के बता रहा हूँ है ना कि कौन सी स्थिति कहां पे चल रही है। तो पल्लव वंश उत्तरी और दक्षिणी के बीच में है, ठीक है, दक्षिणी पेन्नार और कावेरी नदी की तीसरी धारा के बीच में चल रहा है आपका चोल वंश उसी टाइम में, ठीक है, और ये सबसे नीचे आपका चल रहा पांड्य वंश, ठीक है, पांड्य वंश कहां पे चल रहा है सबसे नीचे, उसके ऊपर ये कोई जगह नहीं, बस आप इतना ध्यान रखना तमिलनाडु के नीचे वाला, वर्तमान में तमिलनाडु के नीचे वाला, ठीक है, मदुरई और ये तंजौर के आसपास का जो क्षेत्र है भूतकाल है ना, तो यहाँ पे क्या है पांड्य मदुरई तंजौर चोल पल्लव पेन्नार, यहां पे आपका चल रहा था
पूर्वी चालुक्य और यहां चल रहा था पश्चिमी चालुक्य। पूर्वी चालुक्य पश्चिमी चालुक्य, पूर्वी चालुक्य की राजधानी थी बेंगी और पश्चिमी चालुक्य की राजधानी थी कल्याणी। कल्याणी ठीक है, एक ध्यान से देखते चलना, ये सब बाद में पढ़ाऊंगा। तो ध्यान रहे कि हाँ वहां पे चालुक्य वंश चल रहा था उस जगह, है ना, तत्काल ध्यान नहीं दिया। पूर्वी चालुक्य की राजधानी बेंगी और पश्चिम की कल्याणी, और जस्ट उसके नीचे यहाँ पे राजपूत वंशों का राज चल रहा था, राजपूत, राजपूत चल रहा था ठीक है। और राजपूत की राजधानी थी मान्यखेप, क्या थी, मान्यखेप, ये स्टार बना दो, मान्यखेप ठीक है। और यहां पे आपकी थी वातापी, पश्चिमी चालुक्य पूर्वी चालुक्य और वातापी के भी चालुक्य इसमें हो गए, या बादामी भी चालुक्य, बादामी या वातापी भी ठीक है। कभी कभार आपने क्वेश्चन कभी पढ़ा होगा इतिहास में, तो बादामी के चालुक्य लिखा वातापी की, आगे चल के राजधानी यहां पे ट्रांसफर कर देती है फिर राजधानी यहां से कल्याण ठीक है। तो मतलब ये पूरा क्षेत्र जो है चालुक्य का चल रहा है और राजपूत के बीच में है। इधर कौन है, पल्लव, इधर चोल, इधर आपका पांड, कावेरी, तुंगभद्रा, कृष्ण, समझ गए। मान्यखेट राजधानी है राजपूतों की ठीक है, राजपूतों की राजधानी मान्यखेट, मान्यखेट किसी की राजधानी नहीं है। और पूर्वी चालुक्य किया बेंगी, समझ में आई चीजें, स्थिति समझ में आई, क्योंकि पूरे इतिहास में जब मैं इसकी बातें करूंगा तो दिमाग में चीज बसी होनी चाहिए, यहाँ पे ये चीज चल रही थी, इसलिए मैं चित्र बना के समझा रहा हूँ। चित्र बनाने का मतलब एक ही है, डायग्राम, दिमाग में सेट हो जाए चीजें, है ना। चलिए आगे चलते, अब अपन स्टार्ट करते हैं पल्लव वंश। ये तो अभी मैं सबकी स्थिति बता दी है, अब अपन यहां से चालू करते हैं पल्लव वंश ठीक है। बना लिए, जल्दी जल्दी बनाओ, टाइम नहीं है। क्या फोटो खींच लो, हाँ फोटो खींच सकते हो, जो व्यक्ति नहीं बना सकता वो फोटो खींच सकता है, है ना, खींच लो। ठीक है, अब देखो पल्लव वंश चालू करें, पल्लव वंश का जो हिंदी मतलब होता है, पल्लव वंश का मतलब होता है क्या, पल्लव का मतलब होता है लता, लता, पल्लव जाति लता से संबंधित है ना, क्या मतलब होता है लता, लता तू जानती हो, बता रही जो थी लता मतलब मम्मा ठीक है, लता ठीक है। अब अपन चलते हैं पल्लव वंश के बारे में, पूरे राजाओं की एक लिस्ट बना लेते हैं, फिर अलग अलग करके राजाओं के बारे में पढ़ते जाते ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं, सबसे पहला जो स्टार्टिंग यहां से चालू हुई थी, ये देखो यहां पे आपकी स्थिति है कांचीपुरम की, यहां पे क्या है कांचीपुरम, कांचीपुरम का नाम तो सुने हो, और यहां पे है आपका महाबलीपुरम, क्या है महाबलीपुरम, ये दक्षिण पन्नार के जस्ट लगा हुआ कांचीपुरम और थोड़ी ऊपर महाबलीपुरम ठीक है। इनका महत्व तो आगे अभी चलेंगे तो समझ में आएगा। अब देखो एक राजा के बारे में पढ़ते हैं, तो पहला जो आपकी शुरुआत हुई थी तो वो हुई थी सिंह वर्मन, सिंह वर्मन ने पल्लव वंश की स्थापना की, किसने की, सिंह वर्मन, सिंह वर्मन ने यहां से, ये यहां से कांचीपुरम से, है ना, ममल्लपुरम भी कहते हैं इसको, ममल्लपुरम इसके आसपास का क्षेत्र है, उसने अपनी राजधानी बनाई थी, तो यही से स्टार्ट होती है किसकी, किस वंश की, पल्लव वंश का जो सिंह वर्मन राजा रहता है, ये यहाँ कांचीपुरम में बैठना चालू किया, राजगद्दी पर अपना शासन प्रारंभ किया। तो जब ये शासन प्रारंभ किया ठीक ठाक था, इसके दो लड़के हुए, पहला था सिंह विष्णु और दूसरा था भीम,
दूसरा था भीम और सिंह, विष्णु और भीम, इसके दो लड़के हुए। क्या हुए? दो लड़के, सिंह विष्णु और भीम। तो सिंह विष्णु जो था, सिंह विष्णु इस डायनेस्टी का, पल्लव डायनेस्टी का सबसे प्रतापी राजा नहीं होगा, नहीं होगा, इसके बाद जो आए तो वो होगा। तो ये जो होता है सेकेंड नंबर का सबसे प्रतापी राजा होगा। क्या होगा? सेकेंड नंबर का सबसे प्रतापी राजा मतलब ये आते ही इसने अवनि सिंह की उपाधि धारण की। किसकी उपाधि? अवनि सिंह की उपाधि धारण की। सिंह अवनि, अवनि अंबर, सुनो ना, अवनि अवनि, अवनि सिंह की उपाधि इसने धारण की बैठते ही। और बैठ के जैसे ये सिंहासन में बैठा तो इसने क्या किया, बहुत प्रतापी राजा था। इसने क्या किया, यहां पे आपका मैंने चीज बताई कि सिंघल वंश चल रहा था, सिंघल, ये जो श्रीलंका का क्षेत्र सिंघल राज्य वहां पर होता था, सिंघल वंश, सिंघल, ठीक है, श्रीलंका, हाँ श्रीलंका, सिंघल को हराया। यहां से इसने सिंघल को हराया, पांड्य को हराया, चोल को हराया, और इधर आपका चेर, इधर चेर, केरल के आसपास का क्षेत्र चेर है, तो चेर को हराया। इधर आपके मालवा का क्षेत्र था, ये मालवा का क्षेत्र, मालवा को भी हराया, मलय को हराया। मतलब कुल मिला के इसने पूरे दक्षिण भारत को सिवाय चालुक्यों के जीत लिया, चालुक्यों को छोड़कर। हाँ, इसने सिंघल को, सिंघल, पांड्य, चोल, मालवा, मलय, चेर, है ना, इन सबको, सिंह विष्णु, सिंह विष्णु, सिंह विष्णु, सिंह विष्णु, है ना, सिंह विष्णु ने इन सबको हरा के एक बड़े साम्राज्य की स्थापना और अपनी राजधानी कांचीपुरम बनाया। एक बार फिर से नाम बता सभी को। सिंघल, 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 चेर, चेर, चोल, पांड्य, चेर, चोल, पांड्य, मालवा, मलय, मालवा, मलय आदि क्षेत्रों को जीत कर इसने बड़े साम्राज्य की स्थापना की और अपनी राजधानी कांचीपुरम को बनाई, कांचीपुरम में, मामल्लपुरम पे, ठीक है। इसके बाद क्या किया, जब इसने तीन चीजें जीत ली तो इसने एक मंदिर बनवाया। क्या बनवाई? यही कांचीपुरम के बगल में मामल्लपुरम जगह है, मामल्लपुरम में इसने वराह मंदिर बनवाया, आदि वराह गुफा। क्या? आदि, आदि वराह गुफा, आदि वराह गुफा नाम की इसने एक मंदिर बनवाई। किसने? इसी सिंह विष्णु ने। बराह का मतलब क्या होता है? बराह का मतलब होता है, बराह भगवान है, भगवान विष्णु का अवतार था बराह होता, हिरणाक्ष को उन्होंने मारा था और धरती जो समुद्र में हिरणाक्ष के छुपा रखा था उस धरती को भगवान बराह ने निकाला था, ठीक है। यही मामल्लपुरम, कांचीपुरम के बगल में मामल्लपुरम है, कांचीपुरम ही है पूरा डिस्ट्रिक्ट समझ लो, ठीक है, पर कांचीपुरम का अगर स्पेशली पूछे तो मामल्लपुरम। आदि बराह गुफा नाम की एक मंदिर बनवाई, बराह किससे संबंधित? भगवान विष्णु से। उस मंदिर में इतना घमंडी हो गया था ये, क्या हो गया था, क्योंकि इसने इतने सबको जीत लिया तो इसके मन में अहंकार की भावना जागृत हो गई और इस मंदिर में इसने खुद की मूर्ति लगवा खुद की मूर्ति लगवा के और दो रानियों को अगल बगल बैठा दिया मूर्ति के रूप में। बराह मंदिर नाम है उसका, बराह मंदिर, उस मंदिर के अंदर इसने अपनी और अपने दो राज्यों की मूर्ति लगवाई। कहां? आदि बराह गुफा नामक मंदिर। जबकि संबंधित अगर बराह जो नाम है भगवान विष्णु संबंधित है और इसका नाम भी भगवान विष्णु संबंधित, सिंह विष्णु, तो इसने अपनी मूर्ति और अपने दो राज्यों की मूर्ति वहां पे लगवा दी। और सिंह विष्णु वैष्णव धर्म का अनुयायी था। किस धर्म का था? वैष्णव धर्म का, ठीक है। इसके बाद जितने भी आए थे सब शैव धर्म के, लेकिन ये वैष्णव धर्म का अनुयायी, ठीक है। तो सिंह विष्णु ने क्या किया, सिंह विष्णु ने मंदिर बनवाया, वहां बैठ गए। सबसे महत्वपूर्ण चीज कि सिंह विष्णु के दरबार में एक भारव, भारवी नाम का एक संस्कृत का कवि रहता था, भारव नाम का एक संस्कृत का कवि रहता था, जिसका एक ग्रंथ जिन्होंने लिखा था जिसका नाम था कीर्ता अध्ययम। क्या? कीर्ता रचना का, हाँ, नियम,
इन्होंने रचना लिखी थी कीर्तार्जुनीयम, सिंह विष्णु के अंडर में दर वो रहता था, कवि रहता जिसका नाम भारवी, भारवी था उस भारवी, या भारवी किस संस्कृत के बहुत अच्छे कवि थे और इन्होंने लिखा था कीर्तार्जुनीयम। इसका अगर संधि विच्छेद करें तो कीर्तार्जुन अर्जुनीयम, ठीक है, तो कीर्तार्जुनीयम नाम का ग्रंथ लिखा सिंह विष्णु के दरबारी कवि भारवी ने। ये किसके कवि थे? संस्कृत के थे, ठीक है, संस्कृत के महान कवि थे। इतना चीज समझ में आई सिंह विष्णु के बारे में पूरी थी। इन्होंने अवनि की उपाधि धारण की, इन्होंने पूरे क्षेत्रों को जीता और जीतने के साथ क्या किया, एक आदिपराग गुफा नाम की मंदिर बनवाई और राजयोग की। इसके बाद देखो, इसके बाद अपन चलते हैं अगला जो आया है महेंद्र वर्मन प्रथम, महेंद्र वर्मन इनका कुछ रोल नहीं था, मतलब नहीं वो कोई बात नहीं, अभी पहले इतना जितना बता रहा हूँ जो मुखिया लगाई थी रानी नहीं कोई ना, हाँ तो छत्रपति दिमाग मत चलाया करो, है ना, जितना बता रहा हूँ उतना ही समझा करो, क्योंकि वो कभी पूछे गए कि जो रानी की मूर्ति लगवाई थी उनका क्या नाम, है ना, दिमाग चलाओगे तो सवाल नहीं हो पाओगे, है ना, वही चीज पढ़ो जो क्वेश्चन आता है पेपर में, ये नहीं कि उसके ससुर का क्या नाम था, उसके दादा के भाई का क्या नाम था, ये कभी क्वेश्चन नहीं आते, क्वेश्चन वही आते हैं जिनसे कुछ ना कुछ इतिहास में संबंध रहता है, ठीक है, इतना ध्यान रखें, तो फालतू को दिमाग नहीं चलाओ तो ज्यादा बेहतर है। महेंद्र वर्मन प्रथम आया, कौन, महेंद्र वर्मन प्रथम, महेंद्र वर्मन प्रथम जब आया तो उसी टाइम से क्या हुआ, यहाँ पे महेंद्र वर्मन प्रथम बैठा और महेंद्र वर्मन प्रथम के बैठने से ये चालू की एक्टिव हो गए, अभी तक ये शांत बैठे, अब इनकी इनका संघर्ष इससे होने लगेगा, किससे, महेंद्र वर्मन से, महेंद्र वर्मन से अब इनका संघर्ष होने लगेगा और महेंद्र वर्मन हार गए इससे, पुलकेशिन द्वितीय से। चालुक्य वंश का मैं जब हर्ष पढ़ा रहा था हर्षवर्धन, तो मैंने बताया था कि यहीं पे एक राजा था पुलकेशिन द्वितीय, जिसने हर्षवर्धन को पहली बार हराया था, पहली बार वो दक्षिण की ओर दक्षिण विजय अभियान में जा रहा था हर्षवर्धन, और यही पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का ही राजा था जिसने हर्षवर्धन को हराया था नर्मदा नदी के तट पे, वही पुलकेशिन द्वितीय अब किसको हराएगा, महेंद्र वर्मन को, महेंद्र वर्मन को हरा देगा, वही चालुक्य वंश का पुलकेशिन द्वितीय महेंद्र वर्मन को हराएगा और महेंद्र वर्मन हार जाएगा। महेंद्र वर्मन की महत्वपूर्ण चीज ये थी कि इसने मत्त विलास उपाधि धारण की थी, कौन सी, मत्त विलास, मत्त विलास नामक एक उपाधि धारण की थी महेंद्र वर्मन ने, और मत्त विलास प्रहसन नामक एक ग्रंथ लिखा, मत्त विलास उपाधि धारण की थी और मत्त विलास प्रहसन नामक एक ग्रंथ की इन्होंने रचना की, ठीक है, मत्त विलास उपाधि, मत्त विलास प्रहसन ग्रंथ की रचना, महत्वपूर्ण चीज ये थी। और हारा किससे था, ये यहां पे था आपका पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन सेकंड क्या द्वितीय, पुलकेशिन द्वितीय से ये हार गए थे महेंद्र वर्मन प्रथम, मत्त विलास प्रहसन, प्रहसन, ठीक है। इसके बाद आपके जो अगले राजा आते हैं नरसिंह वर्मन प्रथम, और आते हैं नरसिंह वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम, इसके बाद आपके चोर प्रशासन कब्जे नहीं किए थे, नहीं, सिर्फ इतना ध्यान रखना कि महेंद्र वर्मन की दो महत्वपूर्ण चीजें हैं, एक उसने मत्त विलास की उपाधि धारण की, मत्त विलास प्रहसन ग्रंथ लिखा और पुलकेशिन द्वितीय से हारा, कौन, चालुक्य, हाँ चालुक्य वंश के राजा थे, ठीक है। अब इसके बाद नरसिंह वर्मन जब आते हैं प्रथम, तो नरसिंह वर्मन इस वंश का सबसे प्रतापी राजा होगा, कौन होगा, इस वंश का सबसे प्रतापी राजा, इसके बाद ना तो इसके पहले कोई था ना इसके बाद कोई होगा इस वंश का, तो नरसिंह वर्मन प्रथम पल्लव डायनेस्टी का सबसे प्रतापी, सबसे बलशाली, सबसे शक्तिशाली राजा होगा। अब ये आगे करेंगे क्या अपन, देख इतना समझ गया, नरसिंह वर्मन का दिमाग सबका इसके ऊपर पुलकेशिन द्वितीय, क्योंकि इसके बाप महेंद्र वर्मन प्रथम को उसने हराया था, तो ये बहुत ही आक्रामक प्रवृत्ति का था, इसका दिमाग सबका, इस साले ने इसने मेरे बाप को हराया, यहां पे बैठा और इसने अपना विजय व्रत चालू कर दिया, इसने पूरे पल्लव को इकट्ठा किया और यहां से लेकर यहां गया पुलकेशिन के पास और उसको चुनौती दी, क्या लड़ो दम है,
और जैसे चुनौती दी तो इनके तीन युद्ध हुए, इनके बीच में कितने युद्ध हुए, तीन युद्ध हुए, तीन युद्ध हुए, जिसमें से पहला युद्ध है पेरियार का युद्ध, पेरियार का युद्ध, सूरमार का युद्ध और मणिमंगलम का युद्ध। तीनों युद्ध में इसकी ऐसी की तैसी गति, पुलकेशी नीति ऐसा हराया कि वो खत्म नहीं हो गया, मतलब मरा तो नहीं पर उसकी पूरी सत्ता छीनी हो गई। युद्ध में तो हेरा मर गया, वो नहीं मरा, पेरियार सूरमार और मणिमंगलम के युद्ध में नरसिंह वर्मन ने उसको धराशायी कर दिया, पुलकेशी नीति तीन तीन बार हराया, तीन तीन बार कंटिन्यू हरा है, पहले एक बार हरा है, दूसरी बार हरा है, तीसरी बार हरा है, ठीक है। और जैसे ही इसने तीन तीन बार हराया तो इसने एक उपाधि धारण कर ली, कौन सी, महामल्ल, मल्ल एवं महामल्ल की उपाधि धारण कर ली। हराने के बाद इसने किसकी उपाधि धारण कर ली, मल्ल और महामल्ल, मल्ल इधर देख ले रहा, तीन युद्ध लड़े और उस युद्ध को लड़ने के बाद मल्ल और महामल्ल, महामल्ल की उपाधि धारण कर, ये दोनों, ठीक है, मल्ल और महामल्ल की। और जैसे ही मल्ल और महामल्ल की उपाधि धारण कर ली तो उसी खुशी में इसने एक नया नगर बसा दिया, कौन सा, महाबलीपुरम। जैसे ही उपाधि धारण की और युद्ध को जीता तो इसी खुशी में इसने एक महाबलीपुरम नाम का, महामल्लपुरम भी इसको कहते हैं और इसका नया नाम महाबलीपुरम, ठीक है, महाबलीपुरम इसने नया शहर बसा दिया। और नया शहर बसाने के बाद, नगर बसाने के बाद इसने वहां पे रथ मंदिरों का निर्माण किया। क्वेश्चन आया करता है कि रथ मंदिरों का निर्माण महाबलीपुरम में किसने करवाया था, किसने कराया था, नरसिंह वर्मन प्रथम ने, किस वंश के राजा थे, पल्लव वंश के राजा, ठीक है, ध्यान रख। तो महाबलीपुरम नामक शहर बनाया, महाबलीपुरम का पुराना नाम क्या था, महामल्लपुरम, महामल्लपुरम नामक एक नगर बसाया, क्यों बसाया, क्योंकि उसने उपाधि ही धारण कर रखी थी महामल्लपुरम, महामल्ल या मल्ल, इसी उपाधि के चक्कर में, खुशी होने के चक्कर में, युद्ध के जीतने के चक्कर में एक नया शहर बसाया जिसका नाम था महामल्लपुरम या उसका नया नाम महाबलीपुरम। और इसी महाबलीपुरम में उसने रथ मंदिरों का निर्माण कराया और देवराज मंदिर का निर्माण, देवराज दो मंदिर बनवाए, रथ, रथ, रथ मंदिर, ये रथ, रथ और कौन सा, एक और मैंने बताया, देवराज। अच्छा इसी में वो था आदिपराय गुफा, नहीं नहीं आदिपराय यहाँ था, महामल्ल में, ये महामल्ल है, अंतर है दोनों, कांचीपुरम के पास है महामल्लपुरम और ये अंतर है, थोड़ा ऊपर है, उत्तर में है, ये लगभग आंध्र प्रदेश थोड़ा नीचे का है वर्तमान स्थिति, ठीक है, और ये तमिलनाडु के पास का है, तो दोनों में अंतर है। तो कौन सा है, महामल्लपुरम ये है और महामल्लपुरम, यहाँ महामल्लपुरम महा है तो महामल्लपुरम और यहाँ कुछ नहीं है तो महामल्लपुरम, बस महा से महामल्लपुरम, सिंपल है, ठीक है। इसने क्या दो उपाधि धारण की, रथ मंदिर और देवराज मंदिर का निर्माण किया, देवराज। इसके बाद क्या हुआ कि यहां वहां थोड़ा सा विजय अर्पित की, इसके बाद इसका मुंडा सरकार तो यहां गया बतापी, बतापी भी इसकी नजर थी क्योंकि बतापी की राजधानी करके चालुक्यों की राजधानी की थी। तो इसके बाद यही नरसिंह वर्मन प्रथम का दिमाग खराब हुआ और ये गया यहां और यहां पे लपक छुपाई थी चालुक्यों में और पीट पीट के यहां से चालुक्यों को भी यहां से निपटा के भगा दिया और इस पर कब्जा कर लिया बतापी। बतापी में एक महा मल्लिकार्जुन नाम की मंदिर है, कौन सी, मल्लिकार्जुन, मल्लिकार्जुन नाम की एक मंदिर है, उस पर इसने कब्जा कर लिया और उसकी शिलालेख में अपने विजय का क्या गुणगान कर दिया। बतापी ये महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच का क्षेत्र है, ठीक है, वातापी या बादामी भी लिख सकते हो, बादामी के चालुक्य, वातापी के चालुक्य, तो यहाँ पे ये जीतने के अगला अभियान इसका गया था बातापी के, यहाँ बातापी को इसने हराया चालुक्यों को और यहाँ पे अधिकार कर लिया और यहाँ वहां मल्लिकार्जुन नाम की एक मंदिर है, उस मंदिर के पत्थर में अपने विजय, जो उसने विजय यहाँ जीता था उसका क्या गुणगान लिखवा दिया,
किसमें? शिलालेख, पत्थर में, ठीक है। किसने? नरसिंह वर्मन प्रथम, ठीक है। ठीक है ना, इतना समझ में आया। और जैसे इसने इसको जीता, तो इसने एक नई उपाधि धारण की, बतापी कुंडा। बतापी कुंडा किसने? नरसिंह वर्मा प्रथम ने एक नई उपाधि धारण की, बतापी कुंडा। बतापी कुंडा, ठीक है, बतापी कुंडा की नई उपाधि धारण की नरसिंह वर्मन प्रथम, ठीक है। ठीक है, बतापी कोंडा। फिर इसके बाद आता है नरसिंह वर्मन प्रथम के बाद एक नया राजा आता है, बस इसकी महत्वपूर्ण उपलब्धि यही थी। इसके बाद आता है आपका नया राजा कौन? परमेश्वर वर्मन प्रथम। परमेश्वर वर्मन प्रथम, परमेश्वर वर्मन प्रथम, परमेश्वर वर्मन प्रथम आता है। तो महेंद्र वर्मन सेकेंड आता है, कौन आएगा? महेंद्र वर्मन सेकेंड, महेंद्र वर्मन सेकेंड आता है। तो महेंद्र वर्मन सेकेंड आता है, जब नरसिंह वर्मन प्रथम आया फिर महेंद्र वर्मन सेकेंड आया। अब क्या होगा कि इसने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली थी, पुलकेशिन उलकेशिन को मार के, युद्ध में हरा के, ये सब करके बतापी कोंडा की उपाधि धारण कर ली। इसके बाद क्या हुआ कि महेंद्र वर्मन सेकेंड आया तो कमजोर था, क्या था? कमजोर आ जाता। और वही उसी टाइम पे जब पुलकेशिन द्वितीय हार गया था, पुलकेशिन द्वितीय जब हार गया था, तो इसका एक लड़का पैदा हो गया था, कौन? विक्रमादित्य। विक्रमादित्य को यह चीज बुरी लगी कि मेरा बाप हार गया। इसको पहले किसको बुरी लगी थी? नरसिंह वर्मन को बुरी लगी और इसने अटैक किया और हरा दिया, दिमाग खराब। अब यही जो नरसिंह वर्मन इसको हराया, ये चीज इसको बुरी लगी, विक्रमादित्य को। जब इसको बुरी लगी तो इसने भी क्या किया, ये यहां आया और इसको निपटाया, सीधे उड़ा ही दिया। राज दरबार में सीधे आया और देखा ना, तो सीधे गलाई काट दिया और मर गया। महेंद्र वर्मन द्वितीय, इसकी कहानी कहीं समाप्त। इसकी महेंद्र वर्मन द्वितीय कुछ कर नहीं पाया बेचारा, गद्दी पे बैठा था और विक्रमादित्य वन आया है और महेंद्र वर्मन को सीधे खलास कर दिया, निपटा दिया। इसके बाद जैसे ही निपटाया तो दूसरा आया, परमेश्वर वर्मन प्रथम। कौन आया? परमेश्वर वर्मन प्रथम। कौन आया? परमेश्वर वर्मन प्रथम। तो परमेश्वर वर्मन जब प्रथम आया डर गया, भैया ये तो बहुत खतरनाक आदमी, जब ये महेंद्र वर्मन को मार सकता है तो मेरे को भी मार सकता, ठीक है। तो इसने क्या किया कि इससे काफी संघर्ष, विक्रमादित्य से परमेश्वर वर्मन प्रथम का बहुत टाइम तक संघर्ष चलता रहा और अंतकाल में काफी टाइम बाद ये हार जाता और ये वापस लौट जाता। ये क्या करता है, ये अपने संघर्ष से इस स्थिति को बनाए रखता है और डर के मारे ही यही महाबलीपुरम में, यही महाबलीपुरम में गणेश मंदिर का निर्माण क्या कराता है? गणेश मंदिर का, कि ये भगवान बचाओ, इनसे बचाओ, ये बहुत खतरनाक आदमी है ना, उसने चूंकि महेंद्र वर्मन से कहीं मार दिया था, इसलिए तो गणेश मंदिर पर माई उसने प्रार्थना की कि आप रक्षा करें, ठीक है। कहां पे? ये यहां पे महाबलीपुरम में ये परमेश्वर बनू गणेश मंदिर का निर्माण कराता है, बस इसका इतना ही, ठीक है। गणेश मंदिर का निर्माण कराया और इसने अपनी स्थिति थोड़ा सा मजबूत की, सुदृढ़ की, जो महेंद्र वर्मन सेकंड के टाइम पे कमजोर हो मर गया था। इसके बाद आपका नरसिंह वर्मन द्वितीय, नरसिंह वर्मन सेकंड आता है, द्वितीय कौन आता है? नरसिंह वर्मन द्वितीय। कंफ्यूजन बहुत हो रहा होगा, अर्मन वर्मन एक दो तीन चार है,
महेंद्र वर्मन, नरसिंह वर्मन, परमेश्वर वर्मन। तो देख लेना, पहले आया सिंह विष्णु, फिर महेंद्र वर्मन, फिर नरसिंह वर्मन, फिर महेंद्र वर्मन, फिर परमेश्वर वर्मन, फिर नरसिंह वर्मन द्वितीय। ये अत्यभुत नरसिंह वर्मन जो दोनों थे, इनकी रुचि क्या है? इन दोनों नरसिंह वर्मन की रुचि रहती है इसमें मंदिर बनवाने, मंदिरों का निर्माण करना। ठीक है, पहले वाले ने क्या बनाया? पहले वाले ने बनवाया कौन सा? पहले वाले में बताया था महाबलीपुरम में दो मंदिर बनवाई थी, ये नहीं पर आ तो उसने सिंह विष्णु ने बनवाई। हाँ नहीं, गणेश नहीं, इसके पहले और महाबलीपुरम में दो मंदिर, दस मंदिर। ठीक है, अब दूसरे वाला जब आएगा तो ये यहाँ पे कांची में एक मंदिर बनाएगा, कैलाश मंदिर। क्वेश्चन आया करता है कि कांची का कैलाश मंदिर किसने बनवाया? वो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने बनवाया। ठीक है, मंदिरों में इन दोनों भाइयों की रुचि या दोनों नामों की रुचि समझ लो, भाई तो लिखे हैं, दोनों नाम जो है नरसिंह वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन द्वितीय, इन दोनों की रुचि किसमें रहती है? मंदिरों के निर्माण। पहले वाले ने रथ मंदिर बनवाया और देवराज मंदिर बनवाया, और दूसरे वाले ने क्या बनवाया? कांचीपुरम में कौन सी मंदिर पर? ये कांचीपुरम यहाँ है, वो महाबलीपुरम है, ये कांचीपुरम। कांचीपुरम में कौन सी मंदिर बनवाई इसने? कैलाश मंदिर। और एक और मंदिर बनाया ये आए राव तेश्वर, आए राव तेश्वर, कैलाश मंदिर, आए राव तेश्वर मंदिर का निर्माण, आए राव तेश्वर और कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया? किसने कराया? नरसिंह वर्मन द्वितीय। इसका कारण ही है, महत्वपूर्ण है किसने दो मंदिर का निर्माण किया। इतना ध्यान रखना कि क्वेश्चन पूछता है कैलाश मंदिर किसने बनवाया, तो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने बनवाया, पहले नहीं बताया। और रथ मंदिर किसने बनवाया है? तो प्रथम रथ मंदिर प्रथम और कैलाश मंदिर दोनों वही थी, कांची नहीं, कांची में दोनों। नहीं नहीं, पहले वाला यहाँ था महाबलीपुरम में, जो पहला नरसिंह वर्मन प्रथम ने महाबलीपुरम, ये दोनों कांची में, और हाल ही में इनको विश्व विरासत सूची में ये दोनों मंदिर को शामिल किया गया, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में। ठीक है, सालों साल पहली बार नरसिंह वर्मन क्या है? द्वितीय। इसके बाद आता है परमेश्वर वर्मन द्वितीय, और आता है हो सकता है उनका संबंध ना हो, वो दूसरा है। हाँ, एक चीज और ध्यान रखना कि जो ये मंदिर है कैलाश मंदिर, इसको बृहदेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, बृहदेश्वर मंदिर। ठीक है, अब अपन बात करते हैं परमेश्वर वर्मन, परमेश्वर परमेश्वर वर्मन सेकेंड की बात करते हैं, परमेश्वर वर्मन द्वितीय की बात करते हैं। ये कौन थे? तो परमेश्वर वर्मन द्वितीय, इनकी कोई खास उपलब्धि नहीं है, इन्होंने भी थोड़ा संघर्ष किया, लेकिन उसी टाइम पे ये विक्रमादित्य का लड़का पैदा हो जाता है, विक्रमादित्य सेकंड, उसी विक्रमादित्य सेकंड हो जाएगा, विक्रमादित्य सेकंड हो जाएगा। तो ये विक्रमादित्य बाप का बदला लेने के लिए, या समझ लो कि विजय अभियान के लिए दक्षिण में निकलता है और परमेश्वर वर्मन को निपटा देता है, मार देता है। किसको? परमेश्वर वर्मन सेकंड को मार डालता है। ठीक है, तो देखता एक चीज ध्यान देना कि यहाँ पे महेंद्र वर्मन सेकंड निपटा है और परमेश्वर वर्मन सेकंड 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 नहीं पढ़ रहे, प्रथम अच्छा कुछ कर रहे हैं लेकिन सेकंड नहीं पढ़ रहे, है ना, सेकंड नहीं पढ़ रहे। तो परमेश्वर वर्मन सेकंड भी निपट गया किसके द्वारा? विक्रमादित्य सेकंड के द्वारा। इसके बाद अब अपन चलते हैं फिर से फ्लैशबैक में चलते हैं। तो मैंने एक चीज बताई थी कि सिंह वर्मन के दो लड़के थे, सिंह विष्णु और भीम। अब यहाँ पे भीम पर हो रहा है, अब यहाँ भीम पर हो रहा है। अभी तक तो भीम साथ बैठा था, ठीक है, भीम का वंश आएगा, भीम नहीं आएगा, भीम तो वंशज, भीम तो वंशज भी चल रहे थे लेकिन कर कुछ नहीं पा रहे थे क्योंकि ये बहुत भागी थे। अब यहाँ पे जब ये कमजोर हो जाएंगे, परमेश्वर वर्मन सेकंड मर जाएगा, तो इसका एक यहाँ पे आएगा राजा जिसका नाम है नंदी वर्मन। नंदी वर्मन कौन आएगा? नंदी वर्मन। और नंदी वर्मन ने बहुत कुछ लोगों से मिलकर, वहां के आसपास के राजपूत चोलों इनसे मिलकर, और इसको हरा देता है, किसको? इसको हरा देता है और खुद ही वहां पे बैठ जाता है। किसको हरा के? विक्रमादित्य। हाँ, विक्रमादित्य को हरा के और यहाँ पे अपना अधिकार कर लेता है। कहाँ पे? वही कांचीपुरम।
कांचीपुरम में अधिकार कर लेता है और इस वंश का अंतिम राजा जो है पल्लव वंश का यही होता है नंदीवर्मन। कौन होता है? नंदीवर्मन। ठीक है, तो पल्लव वंश यहां से कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद इसी के टाइम पे राष्ट्रकूटों का आक्रमण होने लगे, जब ये शासन करता नंदीवर्मन इसी टाइम पे राष्ट्रकूटों का आक्रमण होने लगेगा आक्रमण, तो इसके बाद अपन कल पढ़ेंगे राष्ट्रकूट वंश। ठीक है, तो यहां तक इतना ही है पल्लव वंश। कोई दिक्कत हो कहीं तो पूछ सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे राष्ट्रकूट वंश। इसके बाद यही आसपास राष्ट्रकूट वंश चलता है।